से प्यार करती हूँ, मैंने कहा है। मेरी जान नाराज क्यों हो रही? नहीं मुझे मूड बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा मन कर रहा है तुम्हारी गोदी में सो जाऊं। मुझे उसके लिए माफी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, तुम तो अपनी हो। विवाह आया था यहाँ पे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। वाह देख ले तेरी माँ कैसी। हाँ तेरी माँ और मेरी माँ और तेरी माँ और उसकी माँ सब। हाँ, मैंने देख तेरी लड़की को ना चार बार नहीं बता सही। तू देख ले, अब अपनी आंखों से देख ले। क्या मुसीबत है तेरे को, हैं? तेरे को कितनी बार मैंने समझाया उस लड़के से दूर हो जा, उसके पापा से दूर हो जा, उससे दूर हो जा। समझ रहा है तू इस बात को, वो कितना गंदा आदमी है। समझ नहीं आ रहा मुझे, लग रहा तुझे अभी भी। अरे बुढ़िया तूने तो मेरा खून पी लिया यार, चुप नहीं हो सकती थोड़ी देर? क्यों नहीं, मैं क्यों चुप हो जाऊं? तू बता, ये सब डंगा डरामा करा रही है जो, क्यों करवा रही है ये सब? मैं इसीलिए बुलाती हूं प्रकाश को कि मुझे पता है ना तू हरकत ऐसी करता है। तेरी हरकत है इस लायक, इसी लायक है तू। देख ले प्रकाश, मेरी हरकत ऐसी लायक, इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उस लड़की के पापा ने मेरे साथ कितना गंदा बिहेव किया है? मैंने रिकॉर्डिंग सारी सुनाई है ना, सुनाई है ना तेरे को भी मैंने, फिर सुनाई है सब मानता, लेकिन तुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी। जब मैं सब चीज सुन रहा हूँ, हर चीज मेरा दिमाग फटने को हो रहा है। तुम टेंशन अलग, लड़की वो मुझसे बात नहीं कर रही, उसका बाप अलग कुछ बोल रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। ऊपर से ये बुढ़िया के डायलॉग मुझे बर्दाश्त नहीं होते हैं। लड़की ने ना अब चुप हो जा, दिमाग बिल्कुल खत्म करा हुआ है। अब चुप हो जा, 1% तेरी आवाज मेरे कानों में नहीं जाए। देख ले प्रकाश कैसे बोलता है ये, देख ले प्रसाद के अपने आप को देख, कब्र में पैर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। वो लड़की आना नहीं चाहती है तुमको, तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती है, क्योंकि तो तुम लोगों ने लो? तुम लोगों ने ये सब ड्रामा करके उसको आई नहीं, बहुत कोशिश की हम लोग उसे लाने के लिए, लेकिन जब वो तुम्हारी लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हारे मुंह में थूकना चाहती है, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ये सब, तुम उसकी पसंद, सुनो ना, तुम उसकी, ए सुनना यार, चिल्लाने से बात ऊंची नहीं हो जाती, इंसान झूठा सच्चा नहीं हो जाता। तुम उसकी पसंद नहीं हो, क्यों? हम तुम उसके नफरत के काबिल हो। हम लोग गए नहीं थे प्रकाश उसको लेने के लिए, और आना नहीं चाहती है यार। उसने साफ मना कर दिया, जो अपने बाप तुम लोगों ने पहले ये सब ड्रामा कर दिया तो क्यों आई? उसने साफ कहा है जो अपने पापा को नहीं कुछ समझता, अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता है, मैं उसके साथ नहीं शादी। जी नहीं, वो तुम लोगों ने ऐसा, जो बाप तुमको जिंदगी दिया, जब तुम अपने बाप का नहीं हो सकते हो तो तुम किसी और का क्या हो गए यार? लोगों ने उसको ऐसा मजबूर किया। अच्छा हम मजबूर किए हैं? अच्छा उसने उसने चल रहा था, क्यों बीच में आकर के ऐसी तैसी कराई अपनी? उसने तेरी हरकतें देखी हैं? देखिए घंटा देखी है, देखिए क्यों? हमने वीडियो ज्यादा पता है, हमने प्रकाश से वीडियो नहीं बनवाई। अरे तो यही से, यही सब डोंडरे करने के बाद तो उसने सारी हरकतें देखी, यही तुम्हारे डोंडरे के बाद उसने मेरे से कटना स्टार्ट किया है। अच्छा मर जाए डूब करके, अच्छा है कटना। जैसे उस बुड्ढे को कराया ना वैसे तेरे साथ करने वाला था, कोई बात नहीं, गलती कर दी, बुड्ढे को उठा के ले गया। तो तुम मार क्यों नहीं जाता अपने बुड्ढे, बुड्ढे जो बोल रहा है, अपने बाप को उस स्थिति में रखे तो उसको मार दो ना। मैंने इसलिए उससे शादी, मैंने उससे इसलिए उसको बचा रखा है ताकि वो लड़की की शादी मुझसे हो जाए, और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो मैं वो भी पॉसिबल कर लूंगा। अपने बाप को अपने हाथों से मार देगा, मार डालूंगा, जो करना है कर लेना, वो बाद की बात है। कब समझेगा ये, कब समझेगा? मना करके रखी है ना, तो कब का तेरे ऊपर हम FIR कर चुके होते, लेकिन ये तेरी माँ है ना, वही मना करके रखी है। क्यों बेटा कुछ दिन का और टाइम दे दे हमको, क्या पता इनको क्या हो गया है, क्योंकि उनको अपने पति का लालच है ना। मुझे पति को चाहिए ना, मेरे लालच नहीं है, पति का लालच, पति का लालच है, पति का लालच होता ना, तो कब का हो चुका होता, कब का हो चुका होता। ये जैकेट वैकेट फेंक करके गुस्सा किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, ठीक है? तमीज से बात कर रही थी, तरीका तेरे पास तो बात करने का नहीं, से बात करा कर इसे, तमीज से हर बार नशे में साबित करके मुझे गलत साबित करते हो ना। आज नशे में, आज नशा में नहीं ना, आज तेरा नशा नहीं होगा। आई एम इन कंट्रोल राइट नाउ, यू जस्ट लिसन टू मी बुड्ढी। अब तो कंट्रोल में होगा ही, क्योंकि अब इसकी उसने लात मार के निकाला ना इसको, लात मार के तुम लोग, तुम लोग के ये जिस लड़के, सुन ना, चुतिया पे के चक्कर, तो जिस लड़की से प्यार करता है ना वो तुम्हारे मुंह में थूकती है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा मजबूर किया उसको। अच्छा हम लोग मजबूर किया है, वो तेरी हरकतें देखकर मजबूर हुई है, तुमसे प्यार ना करती है वो, तो प्यार यही प्यार है ना। तुम लोग अब तुम्हारी लुगाई है, तुम्हारी लुगाई को मैं जाके भड़का के वीडियो वीडियो दिखाऊं। अच्छा वो हमारी लुगाई है, तुमको खुद तलाक दे, जान ना पहचान मत, तेरा मेहमान ना। कोई तो होगी, शादी तो करी होगी कि वो भी नहीं करी तुमने, कभी तो करोगे जिंदगी में, तू इसकी मैं उसको ऐसे भड़का भड़कू के उसको दिखाऊंगा। क्यों छोड़ू, तू अपनी सोच, जिस लड़के, सुना है मेरे बात, तू जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना, उसका बाप तेरे बाप का दोस्त है, पता है ना तुमको, तो उस लड़की का बाप तुम्हारे माँ के साथ नजायज संबंध बनाना चाहता है,
बोल दे झूठ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो झूठ ना बोल रही थी। सुनाई है, फिर भी एक चीज बताओ मुझे, अगर कोई लड़की रास्ते पर से जा रही है, जब तक तुम उसको ऐसे ही नहीं जाकर के कुछ बोल लोगे, जब तक उसकी तरफ से कोई वो नहीं क्लू नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? अच्छा तुमसे बात करते हैं। बोला तो इनकी तरफ, अगर हम कैमरा लगाए ना तो पहले इंट्रो कर लेते हैं उसमें, एक एक करके दोनों आदमी से बात करेंगे। स्टार्ट है कैमरा। कैमरा घंटा गुरु घंटाला। इंसान के जैसे शांत हो जा, ठीक है ना? तो कुत्ता बना के मारूंगा, ठीक है ना? ऐसा चल रहा है यहां, तमाशा तू ना बना देता है। जिंदगी पे बात आई पड़ी है, तुमको कैमरे की पड़ी है? ए मेरा हथियार है, ठीक है ना? मेरे पास भी हथियार रख के रखवा के चलता हूँ, कहीं मिलोगे ठोक के चला जाऊंगा जेल। ठोक देना यार, देता है ये मेरे बुलाने पे आता है, तेरे बुलाने पे नहीं आता। यही सब ड्रामे दिखाने के लिए, तेरे मेरे बुलाने पे आता है। इसको बोल दो शांत रहने के लिए। बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, शांत बैठ जा। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, माँ बेटा है दोनों आदमी। आपको जो बात हमसे बताने आए हो आप, एक बार बताओ तो एक बार, क्या बात है? मैंने पिछली बार मैंने तेरे को समझाया था ना, पिछली बार जब हम मिले थे मैंने तेरे को वो बात को, हाँ। पीछे का बात हमको नहीं जानना है। हाँ। जिनका जिनके घर में इनका शादी होना है उनके पापा से क्या बोलते हैं? वो ही तो कह रही हूँ। हाँ बताइए। वो आया, मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है इसको, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फोन ऑन कर लिया था। उन्होंने मेरे साथ इतने गंदे गंदे हाथ पर मेरे को कभी पकड़ने का, कभी बाहों में लेने का, कभी मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ सो ना, मुझे साथ नाजायज संबंध बना, मेरे साथ सो एक रात, तब मैं तेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब तुम बताओ ना, इसको तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। ये ऊपर से मुझे कहता है चली जाती तो क्या हो गया, एक रात को उसके साथ सो जाती है, मतलब इसको अपनी मम्मी की कोई इज्जत का वो नहीं है कि मेरे बाप की भी इज्जत डूब रही है, मेरी माँ की इज्जत डूब रही है, लेकिन इसको सिर्फ वो लड़की चाहिए, बस उसके साथ शादी करा दूँ, बाकी मैं अपने आप को बेच दूँ या इसका बाप मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। मैं क्या बताऊँ, आप बताओ तुम। नहीं पड़ रहा ना, पड़ेगा देख लो। और मैं उस बुड्ढे को यहाँ सामने बुला दिया तो मैंने उस बुड्ढे को सामने मत बुला, क्या बात होता उस बुड्ढे को बुलाए होगा आज यहाँ पे? बुला लेती हूँ और क्या है, एक बार बुला लो ना। इसके आँख पे जो इसके आँख पे जो पट्टी है ना वो तो निकल जाएगा ना, सच्चाई क्या है? नहीं कर रहा, ये कह रहा नहीं किसी और की आवाज तुमने रिकॉर्ड करके मुझे सुनाई है। एक बार ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोन करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, जो खुद सामने से इतना वो मेरी जान, हाँ बिल्कुल, जो सामने से ऑफर दे रहा हो तो उसको मैं एक बार बुलाऊंगी अकेले में मिलने के लिए, क्या वो नहीं आएगा? एक बार बुलाइए ना उसको, इसके जो आँख पे पट्टी बंधा है वो तो निकल जाएगा ना। ये तो अपने ससुर को देवता ना मान रहा है ना, कोई ना बात नहीं। अभी जो ससुर हुए नहीं है, जिनके बेटी से शादी नहीं हुआ है, उनको ये अपने नजरों में देवता मान रहा है ना। वो सब ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, वो ठीक है इसके नजरों में, इसके नजरों में ना। आ तुम क्या बताना चाहते हो, तुमने अपने ससुर से जाकर बात किया ना यहाँ से, वो क्या बोले थे? ऑन कैमरा का सुनो, कैमरा लगाया ना, कैमरे के सामने बोलो जो भी बात। तुम जो घर पे जाके अपने गर्लफ्रेंड तुम्हारी तुमसे बात नहीं कर रही है, कैमरा जब नहीं स्टार्ट था तुम्हें सारा चीज हमको बता रहे थे, एक बार हर चीज तुम बताओ क्या बात है। मैं उसके पास गया, उसका बाप क्लियर कह रहा है कि तेरी माँ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश, जो ये चीज बोल रही है वो बुड्ढे ने मुझे बताई है, उसके बाप ने मुझे खुद कह रहा है वो कि तेरी माँ नहीं चाहती कि हमारी बेटी की शादी हो, इसलिए ये झूठा लालचन मेरे ऊपर लगा रही है। बल्कि यहाँ तक कि मैं जब तेरे पापा होते थे मैं घर जाता था मिलने, तो मुझे इशारे करके किचन में बुलाती थी, ये वो ये सब वो मुझे बता रहा है। अब ये सच्चाई कि वो सच्चाई है मैं कैसे मान लूँ, रिकॉर्डिंग तो वो भी सुनाने के लिए तैयार है, और कोर्ट में आपको भी पता है कोर्ट क्या, ये तो चलो कोई कोर्ट कचहरी नहीं चल रही, जब जाएगा कल को रिकॉर्डिंग और वीडियो कोई कोर्ट में मायने नहीं रखती, इतना तो आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है? ये झूठ बोल रही है या वो झूठ बोल रहा है मैं नहीं जानता। इस टाइम मुझे वो लड़की की ही बात दिमाग में आ रही कि मुझे कैसे भी, तो आपकी गर्लफ्रेंड से भी बात हो तो वो क्या बोल रही थी? वो कह रही है तुम्हारी मम्मी मेरे पापा को फर्जी में फंसा रही है, और बातचीत करना, इस परिवार में मैं शादी नहीं करूंगी जिसमें बिना शादी करे पहले से ये सब घोटालेबाजी चल रही है, कल को शादी होगी तो क्या होगा, इस चक्कर में मैं वो मुझसे दूर से ही राम राम कर रही है, और मेरे को यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए मैं उसको परेशान कर रहा हूँ और इसको परेशान कर रहा हूँ, और जब तक ये चीज़ मामला क्लियर नहीं होगा मैं यही करता रहूँगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। बात करते आपको अपने ससुर के बात पे भरोसा है कि आपकी मम्मी गलत है ना? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बात पे भरोसा है, वो कह रही है कि मेरे पापा घर पे रो रहे थे क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने उन पे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, और गलत तुम्हारी मम्मी है मेरे फादर नहीं, और जब परिवार में शादी होने से पहले जब तुम्हारी माँ इस तरह का ढोंढ़े कर रही है। मैं गलत हूँ ना, मैं तेरी आज आंखों की पट्टी खुद तेरे सामने खुलवाऊंगी, तूने वीडियो कैमरा लगा दिया ना तूने, ठीक है मैं उनको फोन करके बुलाती हूँ, मैं उनको बुला रही हूँ, तू कहीं और छुप जा, जाके जा तू अपने आप देख लियो कि तेरे ससुर की हरकत, तेरे होने वाले ससुर की हरकतें कितनी गंदी है, या तुझे मैं तेरे को आंखों के सामने दिखाऊंगी, जब मैं अकेली होती हूँ घर में तो क्या करता हूँ।
और जब मैं प्रकाश अकेली हूँ उनके घर में तो हरकतें करेगा नहीं है। अब मैंने इसे ओपन में बुलाया है, इसीलिए प्रकाश को बुलाया। प्रकाश कैमरा लगा के रख, हमारे हाथ में प्रूफ होगा है। उस कैमरा लगा के रख, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, मैं तेरे सामने कॉल कर रही हूँ। लेकिन तेरे को अपने गर्लफ्रेंड की बात पे भरोसा है ना? हाँ। जो माँ तेरे को पैदा की ना, ना अपने कोख में रखी 9 महीना, तू 18-20 साल का हो गया है, अपने माँ के बात पे भरोसा नहीं है? अपने माँ को बच्चलन तू बोल दिया, देख लो, अपने माँ को चरित्रहीन बोल दिया, अपने माँ को दूसरे के साथ सोने के लिए बोल दिया, लेकिन तू क्या कर रहा है? 4 दिन की आई हुई लौंडिया, उसके बाद तेरे को भरोसा हो रहा है ना? 4 दिन की आई हुई लौंडिया नहीं है वो, गुस्सा आ रहा ना? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम मुझे, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है सब चीजें। मैं फिर कह रहा हूँ, जब चीज किसी चीज को साबित करना उसके बाद बोलना। साबित करो, लो एमआई पकड़ो आंटी, कुछ सोचो मत एक्स्ट्रा, उनको बुलाओ फोन करके, किसी तरह उनको बुलाओ, वो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ऐसे बुला रहे हैं इनको। दूध का दूध पानी का पानी करो, आप इस चीज को यहीं पे खत्म करो। वो तो पहले ही चाहते हैं कि मैं उनको अकेले मिलूं, वो चाहते हैं। अगर सच्चाई यहाँ सामने आ जाएगा तो अपने बाप को अपने माँ के हवाले कर देगा ना? पहले वादा कर मुझे, इस कमरा के पहले वादा कर मुझसे, उस लड़की को मेरे सामने यहाँ लाके खड़े कर दोगे, उसी दिन मैं अपने बाप को यहाँ लाके खड़ा कर दूंगा। अच्छा, और उसके बाप नहीं है यहाँ, उसके बाप को क्लियर कर रही हूँ। नहीं लड़की की बात नहीं, मैं उसके है, लड़की तो बाद में आएगी, पहले उसके बाप का तो, उसका बाप और गलत है यहाँ पे साबित। हाँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। देखो, मुझे लड़की से लेना देना, ना कि उसके बाप से। अच्छा, अगर लड़की को, तब लड़की को भी यकीन हो जाएगा ना उसके बाप है, तब वो मानेगी ना? लड़की को भी हाँ जब ही भरेगा, जब वो मेरे को मांग रहा है ना कि मैं उसके साथ रिलेशन बनाऊं, वो लड़की को भी तभी आने देगा तेरे सामने। उसको तो मैं खुद देख लूंगा, लड़की को तो यहाँ बुलवाओ। पहले मैं उसके बाप को क्लियर करवाती हूँ ना तेरे सामने। तुम्हारे जो गर्लफ्रेंड के आंख में जो पट्टी बंधा है, गलत बोल रही है, दूध का धुला हुआ है, ये प्रूफ हमने उसके लिए रखना है। आगे उसके बाद देखते हैं। हाँ, छुप जाओ, ये प्रूफ मैंने उसके लिए रखना है। A few moments later. मेरी जान, मुझे तुम्हारा इंतजार था, तुमने यहाँ पार्क में बहुत अच्छा किया, मुझे बुलाया। आप आ गए, आइए बैठ। कैसे हैं? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत दिनों के बाद आज मिलना हुआ तुम्हारे से। कोई बात नहीं, मैंने कुछ सोच के ही आपको इसीलिए बुलाया था यहाँ पे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम बहुत खूबसूरत हो। मिलने को तो हम घर पे भी मिल लेते, लेकिन पार्क में मिलने का एक अलग मजा है। कोई बात नहीं, देखते हैं, मैंने इसीलिए यहाँ बुलाया। अच्छा नहीं लगता समाज में अपने अड़ोस पड़ोस में कोई देखे आपको मेरे घर आते हुए, तो आप मेरे हस्बैंड के दोस्त हो, आप खुद जानते हो इस बात को। आप और मेरे पति कितने सालों के दोस्त थे, पता है ना आपको। लेकिन जगह बहुत अच्छी है ये, यह रोमांस की बहुत बढ़िया जगह है। हाँ वो तो है, और यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, हम दोनों के सिवा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था, ताकि कोई देखे भी ना और किसी को पता भी ना चले। नहीं, इस चीज की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो मुझे कहा उस दिन, मैंने आपको डांट दिया और आपके साथ लड़ाई करके आपको भेजा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। देखो, तुम मुझे डांटती तो रहती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जी, तो ये प्यार है ना? बिल्कुल, फिर भी आप एक बार बुलाने पर आ गए आज। है बस एक बार तुमने बुलाया, मुझे फ़ोन किया, मैं तुरंत तुम्हारे पास। लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। चलो, अच्छा लगा मुझे आप, मैंने सोचा आप नहीं आ रहे, शायद आप नाराज़ हो गए होंगे, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे उसके लिए माफ़ी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, तुम तो अपनी हो, व्यवहार क्या हुआ, ये तो सब चलता रहता रोमांस में। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो मज़ा कैसे आएगा इस रोमांस का। कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो उस दिन मुझे बोल के गए, तो ये थोड़ा सा मुझे उस दिन बहुत अजीब लगा कि आप ये बताइए, मैं तो कभी आपको इस तरीके से कभी देखा ही नहीं। वो मैं जल्दबाजी में था तो कह के तुम्हारे चला गया था, कुछ मुझे माइंड मेरा ऑफ था, कुछ पीछे से कुछ मेरे को टेंशन थी जी, तो वो कारण बना था। बेटिया कैसी है आपकी? बेटी मेरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ,
क्या? आप मुझे ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हो? अरे मैंने किसको बदनाम कर दिया? किसी से मैंने कहा था? आपने अपनी बिटिया को भी जाकर बोला है। अरे मैंने मेरे लिए इतना खिलाफ क्यों बोल रहे हो? आपको पता आप मेरे पति के दोस्त हो। नहीं मुझे मूड बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा मन कर रहा है तुम्हारी गोदी में सो जाऊं। ये बात ठीक नहीं है, आप मुझे बदनाम करते फिर रहे हो, गलती आपकी है, आप खुद मेरे पर वो कर रहे हो। नहीं नहीं बदनाम थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो हमारा प्यार है। नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, आप खड़े हो जाइए, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बदनाम करते फिर रहे हो, एक तो पहले ही मुझे मेरा पति नहीं पता लग रहा है। आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे पति को पता नहीं कहाँ पे छुपा के रखा हुआ, वो मुझे दे नहीं रहा है। छोड़ो ना, मैं हूँ ना तुम्हारे। नहीं ऐसा नहीं होता ना, आप तो मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हो। मैंने आपको कब बोला है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप ये बताओ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने कब बोला है आपको? मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल कराया तुम्हारे ऊपर। तुम्हें ये भी शर्म नहीं आई कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ हैं? और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को प्यार करती है? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को प्यार करती है, पता है ना तुम्हें? तो रिश्ते तो और गहरे हो जाएंगे। तो तुमने बताया अपनी बेटी को ऐसे गलत क्यों बताया? रिश्ते तो और गहरे हो जाएंगे। तुमने मेरे बेटे को क्या बता दिया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बिल्कुल बताया है तुमने। अरे तुम्हें मैंने कभी मैं इस तरीके से आपके साथ रिलेशन नहीं बना सकती। आपने अपनी बिटिया को क्या बोला है जाकर कि मैं आपको ऑफर देती हूँ? ये मैंने कहा है आपको? मैंने आपको कब कहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? मैंने कहा है? मेरी जान नाराज क्यों हो रही है? नहीं आप मुझे हाथ दूर रखिए, दूर रख के बात कीजिए। मेरी जान ऐसे नहीं करते, मुझे नहीं करनी है बात आपसे। आपने इतना ज्यादा बदनाम कर रहे हो आप मुझे अपने मोहल्ले में। बदनाम क्या, ये प्यार है? बिल्कुल बदनाम कर रहे हो आप मुझे। यार ये प्यार है, समझा करो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, ना मैं करना चाहती हूँ। पहले ही मेरे लड़के ने इतना मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, उसने मेरे पति को पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ। आप जानते हो इस बात को? आप जानते हो इस बात को? आ जाया करो ना। हाँ तुम मेरे पास आ जाया करो रात को, मेरे ना होने वाले ससुर। वाह देख ले तेरी माँ कैसी। हाँ। तेरी माँ और मेरी माँ और तेरी माँ और उसकी माँ सब। हाँ। मैंने देख लिया ना तूने आंखों से, और तू भी बड़ा चिपट चिपट के लेट रही है। अब तुझे समझ आ रही है? अब तुझे समझ आ रही है कि चिपट चिपट के लेट मैं चिपट के लेट रही हूँ कि वो बैठ वो आया है खुद, मैंने बुलाया ना कि नहीं तुझे पता है मैं गिर गिर दूँ। मैं तो साइड हो रही हूँ, वो मुझे छोड़ रहा है एकदम चिपकी। तो पता नहीं है तेरे को कि वो कैसे पकड़ के मेरे को वो कर रहे हैं? हाँ मैं लेटा रही हूँ ए टू जेड चीचे। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा होने वाला ससुर कितना गलत है, कितना गंदा है तेरा ससुर? देख रहा है ये कितनी हरकतें की है? माया का करैक्टर देखा? हाँ देखा, मेरा करैक्टर खराब करवा रहा है। मैंने तेरा भी करैक्टर देख लिया, शुरू से ऐसी है। मुझे नहीं, मैं शुरू से ऐसी हूँ? इनका इतने सालों से मेरे घर में आना है। अरे दोस्त था वो था। हाँ दोस्त था? नहीं दोस्त है वो, अभी भी है जिंदा। चुप, देख मैं लॉयर गिरी ना झाड़ के रख दूंगा और धाराएं इतनी लगाऊंगा तेरे पे भी। धारा तू लगाएगा? साढ़े एक गोली में ना मर जाएगा। मर मेरी माँ के साथ तूने ऐसा? तू खुद देख रहा है अपनी आंखों से, तुझे इसीलिए के लिए मैंने बुलाया था। खुद रोमांस करने के लिए तैयार थी। देख ले ये खुद मुझे खींच खींच के अपनी तरफ कर रहा है। चीज देखी है ये खुद मुझे अपनी तरफ कर रहा है खींच खींच के। मैंने तूने मेरे को कब देखा कि मैं इसके साथ लेट रही हूँ, इस बैठ रही हूँ? देखी है मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया इसने ये बता। मैंने इसीलिए बुलाया था कि इसकी आंखें खोली जाए। मैंने बुलवाया इसकी आंखें खोली जाए, मैंने इसीलिए बुलाया है। मैंने बुलाया तुम्हारी करतूत देखने के लिए, जो वकील बनते फिरते हो ना दुनिया के आगे। मैं तुझे बता रही थी ना कि इसकी हरकतें सही नहीं है, इसकी हरकतें सही नहीं है। होने नहीं दूंगा किसी भी। अरे हट, तू क्या बुड्ढे मेरी शादी कराएगा? तेरे को तो टपका के दो मिनट में उसको इसने सब कुछ गलत बताया तेरे को। इसने सब कुछ गलत बताया तेरे को। देखे होंगे मेरा जैसा नहीं, मेरे जैसे देखे होंगे, मेरे जैसे देखे होंगे, मुझे नहीं देखा अभी तक। मैं तेरी माँ मैं ही रहूंगी, तू जिसको मर्जी कर ले। उमर का लिहाज कर रहा हूँ, उमर का। हाँ मैं चक्की पीसूंगी कि कौन पीसेगा? चक्की तो मैं तुझे पिसवाऊंगा, जैसे उसके पति को पिछवा रहा हूँ ना। हाँ। ऐसे तू भी, तेरे को भी आज वही कोपचे में लेकर के जाऊंगा, उसके बाद जिंदगी भर याद रखियो। ये मेरे आदमी को पता नहीं इसने कहा महीने भर से रखा हुआ तेरी लड़की। अरे वकील गरी तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, ध्यान रखियो। ओए उंगली मत उठाओ, क्या? और तू हटे, तू तो कम बोल ले। तुझे अभी भी मैं गलत नजर आ रही हूँ? मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल भी। बाप के पीछे इसके साथ मैं नहीं कर रही हूँ, ये खुद आया है। देख देख इसको देखना, नहीं खुद देखा यहाँ क्या चल रहा है। मैं नहीं हूँ ऐसी। तो तुझे ज्यादा मजा आ रहा है, वो तो तेरे को दिखाने के लिए मुझे करना पड़ रही है बात कि तू जानता है, तू नहीं जानता ये कितना गिरा हुआ आदमी है, तू नहीं जानता। हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ। ये भी गलत है और तू भी गलत है, दोनों के दोनों।
तेरे को तो मैं घर चल ये तेरे पास तेरे साथ अब अपनी लड़की कभी नहीं ब्याहेगा तू देख लियो। अरे इसके ब्याहने ना ब्याहने से क्या होता है, ये नहीं ब्याहेगा तो क्या मैं लेकर के नहीं आ सकता। ऐसे लोगों का हम अपना रिश्तेदार नहीं बना सकता। इसके आने से क्या होता है, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, खड़े खड़े यही बात देगा। ये मेरे साथ जाएगी, अब ये साथ जाएगी। हाथ छोड़, हाथ लगा दियो, हाथ छोड़। हाथ कैसे पकड़ रहा मेरे सामने मेरी माँ का है? तू मेरे सामने कैसे बेइज्जती कर रहा है उसकी? मैं बेइज्जती इसकी भी करूंगा, तेरी भी करूंगा, नंगा भी करूंगा। देख ले, मैंने कहा था ना ये गलत आदमी। मैंने तेरा पक्ष लिया कि अबे धारा तेरी नहीं पाएगा। अबे चल अपनी धारा उस तो निपट ले, पहले अपनी लड़की को संभाल ले। चार बार बोलना नहीं चाहता तेरे जैसा लफंगा लड़का तो मुझे चाहिए नहीं। अबे तब अपनी लड़की से जाके पूछ, जाके पूछ अपनी लड़की से। तो लाख गुना ठीक है वो। तुम्हारी बेटी की वजह से इतना मेरा आदमी किडनैप किया हुआ है, ये तुम्हें पता है? ऐसी नहीं मरती। तू बता, तू मैं इसके इनकी बेटी की वजह से, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा आदमी किडनैप किया हुआ है। ठीक है, नहीं ना, तुम गलत हो, तुम्हारी बेटी भी गलत है। गलत बता रहा है, समझ गई ना? वो तो इस टाइम वक्त इसका खराब है, इसका दिमाग सही नहीं है। दोनों के इसका दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल। गलत बता रहा है तुझे? हाँ मैं गलत हूँ, ऐसी होगी ना? मैं गलत हूँ, बता। हाँ गलत है। मैं कहाँ से गलत हो गई हूँ? गलत है और हाँ। ये भी गलत है। तुम मैं कहाँ से गलत हूँ? दोनों के दोनों गलत बता रहा है। अब एक ही रास्ता है, तू मेरे पास हीरो, तू भी बैठ जा, मैं इसके पास नहीं रहूंगी। और तू किस क्या दिखाएगा? क्या दिखाऊंगा? तो वक्त बताएगा कि क्या दिखाऊंगा। क्या वक्त बताएगा? वक्त वक्त बताएगा। मेरी बात सुन, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। हाथ नहीं, मार के। हाथ नहीं, इधर बैठ जा। हाथ नहीं, फालतू बकवास मत करियो मेरे से। तेरी लड़की को ना चार बार प्रेग्नेंट किया हुआ है। क्या बकवास कर रहा है? सही बकवास नहीं, क्या झूठ बोल रहा है? अभी भी जाके देख, अपनी माँ के सामने झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं, सच्चाई। अपनी लड़की को फोन लगा, पूछ, अभी भी प्रेग्नेंट है। सारी चीजें झूठ है, अभी भी प्रेग्नेंट है। नीचे बैठ जा, वो तुम्हें थोड़ी बताएगी। तुम्हारी लड़की ऐसी ही है, पूछ लो, जब शादी से पहले ही बोल। लड़का ही लफंगा है। लड़की बहुत पवित्र है, अभी भी उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, जाके पूछ। अबे बकवास मत कर, तुम कहाँ करोगे शादी उसकी बताओ? क्या तू क्या शादी से रोकेगा? मैं भगा के उसको शादी करूंगा, वो खुद मुझसे राजी राजी आएगी। तुझे पता है कौन से केस में अंदर कराऊंगा? अबे तुझे मैं, मेरा बाप भी वकील ही है और मैं भी वकालत ही कर रहा हूँ, तो ये मत, ये मत सोच। मैं पता सीनियर वकील हूँ। अरे ऐसे सीनियर वकील बहुत देखे, एक गोली में ना अच्छे से अच्छे ऊपर चले जाते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? और जो तू यहाँ कर रहा है मेरी माँ के साथ, ये बहुत अच्छी गेम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। घर में जाया करता था। हाँ तो तेरा बाप बुला, तेरे बाप से ही तो मिलने आते थे। और ये मेरे से छुप छुप के रसोई में मिलते, मैं मिलती थी। अच्छा? मेरे पीछे पीछे रसोई में खुद घुस जाते थे। मुझे क्या करती थी? हाथों से चाय पिलाती थी। पूछ इससे, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं अपनी इज्जत के मारे चुप रह गई। तो मेरे पापा की इज्जत के मारे चुप रह जाती थी। मैं पिलाती थी, उसके बाद कहती कि तुम्हारे पैर, ये मेरे को पिला दूं मैं। ये मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं शुरू से ही, जब से तेरे पापा ने आने लगा। ढूंढ रहे चलते थे मेरे बाप के पीछे से, ये करती नहीं तू? मैं कुछ नहीं करती थी। दिख रहा है वो तो क्या करती थी। आया ये बड़ी जल्दी, गले मिल के हाथ मिल के मिला है, बहुत मजा आ रहा था गेम खेलने में। भाई तेरी माँ ही ऐसी थी, देख ले तेरा बेटा क्या कह रहा है। और तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा, तेरे को तो पहले तेरी लड़की की इज्जत तेरी कटवाऊंगा ना। मुझे क्या देखेगा? अरे नहीं, तेरे को तो मैं बाद में निपटूंगा। फालतू बकवास मत करियो, समझ गया ना? ओए उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, हाथ नहीं, मैं कह रहा हूँ हाथ नहीं, तेरे को मैं अभी। हाथ नहीं, बैठ जा इधर, और दोनों बैठ जा। माँ बेटे को ना सीधा अंदर कराऊंगा। अंदर नहीं, मैं तुझे सीधा सिकंदरपुर भेजूंगा। अंदर बैठ जा, इधर नीचे बैठ जा, चुपचाप चुप। गलती पे अपनी गलती नहीं मान रहा है ये आदमी अभी भी। और तेरे को तो मैं घर चल के देखूंगा। अब तू बड़ा अलग रहने का तेरे को शौक चढ़ रहा है ना, घर पे नहीं आ रही तू हफ्ते भर से। तुझे तो मैं तो तेरे डर के मारे नहीं आ रही, जो अपने बाप के साथ ऐसे कर सकता है मेरे साथ नहीं करेगा क्या? अब करूंगा, बता तो रहा हूँ, उसके साथ मैंने गलत किया। मैं रखूंगा अपने पास, तू क्या रखेगा? तू क्या रखेगा बे? अभी मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं जिंदा यहाँ से जा नहीं पाने, जाने नहीं दूंगा। अब हाथ लगा दिया माँ को, मेरे पास रहेगी, तेरे पास रहेगी। तेरे बाप क्या माना था वो? इसकी देखभाल मैं, तेरे बाप क्या माना था क्या वो? तुम लोग का ये सब जो ड्रामा चल रहा था ना, और दुनिया के सामने तू मुझे गलत बना रही थी, मुझे, तू भी इसमें शामिल है। मैं समझ गया, सही कह रही थी वो लड़की, तुम दोनों का चक्कर चलता है, तुम दोनों ही कम नहीं हो। अब ये भी प्यार करती है, ये भी प्यार करती। मैं नहीं करती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा इनसे, नहीं मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने कभी भी नहीं कहा इनको है या नहीं है ये बता। अच्छा, बिना बाप के प्यार करे मैं पैदा हो गया? एक बात बताओ, मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बताओ। मैंने तुम्हें कब कहा ये बात? तुम मेरे बेटे के सामने फोन करती थी। मैंने किया है फोन? फोन कर, मैंने आज तो पूरे पार्क के चक्कर लगवाऊंगा।
कैसे इसने बोल इसको कैसे? ये गलत है, खुद ही गलत है। मैं तेरे पापा की इज्जत की वजह से चुप रह जाती थी, ये मुझे शुरू से परेशान करता है। मैं तेरे पापा को नहीं बता पाती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ बहुत ज्यादा। देख ये देख ले तेरे सामने कितनी हरकत है, जो अभी इतना बोल रहा है वो कितने दिनों से मेरे को परेशान कर रहा है। तेरी बेटी की इज्जत जब सबके सामने ला के खड़ी करूंगा ना तब तुझे पता चलेगा। मेरे पास सुन, क्या तूने शादी करनी है ना, इसको मेरे साथ भेज दे। देख अबे ओए, इसने यही शर्त रखी थी मेरे आगे, जान से मार दूंगा। इसने मेरे आगे यही शर्त रखी थी, जान से मार दूंगा, बना दूंगा तुझे वकील। इसने मेरे सामने यही शर्त रखी थी, देख ले। साले को लेके चलो, क्या बोल रहा है, खड़ा हो। अच्छा अपना बेटी के साथ क्यों क्यों कराएगा, बोला तुम्हारे साथ चलेंगी तब ना। हाँ ये जब तक, हाँ यही मैंने कराया ना, मैंने कहा था ना, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग सुनाई थी तुम्हें। बीवी को ना ये कितने सालों से हमारे घर में आते हैं, अपने समझती थी। तू क्या कर, तू देख ले, तेरे सामने मैंने कहा था ना तेरे को। हाँ तेरी बेटी घटिया होगी ना, इसीलिए इसकी बेटी भी ऐसी है, बिना शादी के गलत नजर डाल रहा है, बिना शादी के जो मेरे मेरे बेटे के साथ रह सकती है। देखो देखो कितना झूठ बोलते हैं। सही बता, झूठ सही बता, सही तू देख ले, अब अपनी आंखों से देख ले, जो खुद ऐसा उसकी लड़की कैसी होगी तू बता। पूरे पिछवाड़े में ढुका दूंगा जो बिना शादी के तेरे साथ रिलेशन बना सकती है, तो उसका बाप देख ले कैसा है। मैं तुझे कितने टाइम से समझा रही हूँ, घटिया जिसके साथ तू शादी करने के लिए बोल रहा है, एक मिनट देख ना, देख बिना शादी के जब तेरे साथ रिलेशन बना सकती है उसका बाप देख ले कैसा है, बता दे। आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो। मैं क्या करूं बता, जब इन्होंने मुझे दुखी किया हुआ है, आपको पता नहीं कब से आपके साथ गलत करने परेशान कर रहे हैं, तो मैं अपने पति को क्यों नहीं बता देती आप। मिले बुढ़िया, तू साला बोल मत बुढ़िया बुढ़िया, दूध का धुला है, इसकी गलती है, इसकी गलती है मेरे पे। मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती, तेरा गलती नहीं है, तू बेटा है ना। हाँ तो बाप के साथ ऐसे लड़की से क्यों शादी किया, तो क्यों प्यार किया, इसने पहले इस गिलो मैरिज नहीं हुई क्या, वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसको चार चार बार तू प्रेग्नेंट किया है, इसकी लव मैरिज नहीं हुई क्या। लव, अच्छा लव मैरिज की ना, और शादी के पहले किसी लड़की जिंदगी बर्बाद नहीं की, किसी लड़के ने जिंदगी बर्बाद नहीं करी, इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करी, शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आज भी चार चार बार तू प्रेग्नेंट किया उसको। तो मेरी मर्जी से नहीं, अकेली उसकी भी मर्जी, इसकी लड़की की भी। देखो नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं थे, जैसा बीज बोओगे ना पेड़ भी वैसा ही काटोगे। हम ऐसे नहीं थे, हमने तेरे पापा से शादी करी थी। घटिया है, आप किसी और के बेटी बहू में नजर डालोगे तो आपके बेटी बहू का नीचे बचेगा। पीछे क्यों पड़ा है ये? आप भी तो किसी और के पत्नी के पीछे नहीं पड़े हो। ये तो मुझे उससे पहले से काफी टाइम से मुझे परेशान करते थे। दोस्ती जो होता है ना इंसान खुद से बनाता है। हमारी तो फैमिली रिलेशन है। भगवान सुन, फैमिली रिलेशन है ना, फैमिली रिलेशन, फैमिली में आते जाते थे ना, आते जाते सारे दिन हमारे घर में आते जाते थे, तेरे पापा से मिलने, डिस्कस करने, किसी केस के बारे में बैठे रहते थे दो दो घंटे। मिलती थी वो बता, मैं नहीं मिलती थी, ये किचन में मेरे पीछे पीछे आते थे, मैं नहीं मिलती थी, ये पीछे पीछे बुलाती थी, मैं किचन में काम कर रही होते तो पीछे पीछे खुद आते हैं ना वो। देख ये भी मेरे से प्यार करती थी, तभी तो मैं इसके पीछे पीछे जाता था, ऐसे कैसे चला जाऊंगा। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या सच है यार, अब क्यों पका रहे हो, अब सच्चाई बताओ ना इसको। आप शुरू में भी मना कर सकते थे ना, मैंने अपने घर वालों को बता सकते थे ना, मना किया है। तुम्हारे अंकल को भी मैंने बताया था एक दो बार, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। क्या क्या अकेले आ जाए करो, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारे अंकल को बताया था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पति अपने जिंदगी और मौत से वो जूझ रहे हैं, वो अब कर रहा है मेरा बेटा, वो अब उनकी एक महीने से उसने जिंदगी खराब कर रखी है, बेटे की फंसी हुई है, तो ये सारी बातें सामने आ रही है, नहीं तो इसका रोमांस तो पूरा चल रहा था। नहीं मैंने कुछ नहीं बुलाया इनको, मैं कुछ नहीं कहती आपको, मैंने आज तक आपसे कभी क्यों पका रहे हो आप लोग, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं करती मैं, ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती मुझे बदनाम प्यार करती है, ये जबरदस्ती मुझे बदनाम करते हैं। क्या सबूत, हाँ क्या प्रूफ, क्या है कि आपसे प्यार करती है? इनको मिली नहीं कभी कुछ नहीं, सबूत सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। आज तक आपको बताइए इन दोनों के बारे में, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो किस तरह का रोमांस चल रहा था, और सारा रिकॉर्ड करके रखा है, कैमरा लगाया है ना। जब कोई आदमी खुद जबरदस्ती ही जबरदस्ती बाहों में लेगा, जबरदस्ती खींचेगा, तो बंदा क्या करेगा प्रकाश? कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखो खुद कोई सबूत के बिना ऐसे फर्जी में मत मेरी माँ को इल्जाम लगा। सबूत है? क्या सबूत है यार, अभी बताता हूँ। खा अपने लड़के की कसम कि तू मेरे से प्यार नहीं करती थी,
बोल खा लेगी इसमें क्या है, खा ना माँ। अब कैसे चुप हो गई? खा अपनी लड़की के, खा ना, कसम खा ना लड़के की। इधर देख, खा इसकी कसम। नहीं कसम खा सकती अपने बेटे की? क्यों नहीं खा सकती? मतलब क्यों चुप हो गए आप? अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आपके लड़के की कसम, या तो बता दो नहीं तो यहां से चुपचाप होकर चले जाओ, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। फोन आ रहा है, बंद करो। देख लिया? अब ये प्रूफ होता कि तुम्हारी मम्मी इनसे प्यार करती है, यही हकीकत है। कब से आप लोगों चल रहा है? बैठिएगा यहाँ पे, बैठो भाई यहाँ पे बैठो। कब से आप दोनों का चल रहा है? इनके घर पे 4-5 साल से आना जाना है। हाँ हाँ, तो और जो भी बोलेगा सच बताइयो, सच बताइयो। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हर चीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बता सारा। पहले मैं नॉर्मल जाता था, बातचीत करके अपने क्लाइंट विलाइंटों के बारे में बातचीत करके इसके हस्बैंड से तो मैं आ जाता था, जो मेरा दोस्त था वो। उसके बाद इन्होंने मुझे एक दिन नाइट में खाने पर बुला लिया। खाने पे क्या, वहाँ पे ड्रिंक वगैरह रखी और चिकन विकन था, हमने खाया पिया तो नशा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यही पास बैठी हुई थी तो इन्होंने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। जब पहले उनके तरफ से शुरुआत हुआ था, उनकी तरफ से शुरुआत। झूठ तो नहीं ना बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके बाद में धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, और बात इतनी आगे जब बढ़ गई तो पूरा क्या नाम आगे तक मुझे भी जाना पड़ा। फिर तू बेटा है ना, तेरे को इसके बारे में पता नहीं था? मुझे कुछ नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, घर से पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था। मैं तो अब 1 साल से आया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ घर पे। कहती थी तुम मेरा जितना ध्यान रखते हो इतना मेरा घरवाला भी नहीं रखता, जितना तुम मेरा को मेरी केयर करते हो। क्या बोले हम ना बोले यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तमाशा तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मजाक तो मेरे परिवार का उड़ रहा है। देखो कोई भी चीज होती है एक तरफ से नहीं होती, रोटी जो होता है ना एक तरफ से बनती नहीं है। मान लीजिए उनका गलत है, आपको तो मना करना चाहिए था ना, क्या कि वो आपकी दोस्त की वाइफ थी। लेकिन मैं भी देखिए एक बताएं हम आपको, मेरा बात सुन गया ना, मैं भी जज्बातों में बह गया। एक बात बताएं हम, भगवान जो है ना हर रिश्ते को वहां से बना के भेजते हैं, सही है ना? आप मानते ना इस बात को? भाभी भौजाई भाई माता पिता देवरानी जेठानी ये हर चीज भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं। लेकिन एक दोस्ती का ऐसा नाता या रिश्ता होता है कि इंसान खुद उसको बनाता है। दोस्ती जो होता है ना हर रिश्ते नाते से बढ़ के होता है। जिनसे आपका दोस्ती था इनके पापा से, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, लेकिन आपने क्या किया? अगर ये सारी बात आपके दोस्त को पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। देखो मेरी कोई ऐसे भी बेटा उनको किडनैप कर रखा हुआ है। मैंने कोई पहल नहीं करी, पहल इसकी माँ ने ही करी। आपको इस बारे में अपने दोस्त से बताना चाहिए था ना कि तेरी पत्नी हमसे प्यार कर रही है। बातें ऐसी होती हैं, फिर आपस में खटास पैदा हो जाती, मनमुटाव होते हमारे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम करें तो करें क्या यार? आप अपने बेटी से बात करो, अपने बेटी के शादी इनसे क्यों नहीं करा रहे हो? कितना सारा चीज सामने आ गया कि आपकी बेटी को 4-4 बार प्रेग्नेंट किया है। शादी कराओ, बात को खत्म करो, अपने पापा को छोड़ो। इनको बोलो अपनी लड़की को अगली बार मिलवाएंगे मुझसे सबसे पहले। सच्चाई बताओ तुम। सच्चाई तो अब सबके सामने आ ही चुकी है, जो सच्चाई है। ये तो वीडियो डालेंगे, कैमरा लगाए तो सारा दुनिया देखेगा सच्चाई। जाइए यहाँ से, चलिए। देख तेरी माँ कहाँ गई,